अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो जो है इसका टाइटल है सुपर एलिवेशन स्लोप रिपोर्ट एट राइट एंड लेफ्ट रोड एज फ्रॉम सिविल 3D टू एक्सेल। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट रिसीव हुई है और जिसमें ये पूछा गया है यहाँ पे सुपर एलिवेशन जो है हम सेंटर लाइन पर तो लगा लेते हैं पर रिपोर्ट कैसे लेते हैं। ठीक है, हमको जबकि जरूरत लेफ्ट और राइट पे जो हम लोग लेते हैं वो जस्ट कर्व का सुपर एलिवेशन शो होता है जबकि हम वो स्टेशन वाइज इसकी जो ज़रूरत है वो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल बताई है। जैसे 0 स्टेशन है तो इसके दोनों एज की और 25, 50 इनके भी और कंटिन्यूसली ये 5 किलोमीटर उनको रिक्वायर्ड है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि हम इस रिपोर्ट को कैसे जनरेट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे ये जो है मेरे पास सिविल 3D में एक बेसिक अलाइनमेंट है विद प्रोफाइल, ओके, और इसमें जो है सुपर एलिवेशन जो है वो ऑलरेडी अप्लाई की गई है। यहाँ पे जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ठीक है, आपके पास ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सुपर एलिवेशन जो है वो अप्लाई होनी चाहिए आपके अलाइनमेंट में और आपके पास इसकी जो है वो यहाँ पे एक असम्बली होनी चाहिए। तो असम्बली में जो प्रॉपर्टी आपने साइन करनी है, थिकनेस वगैरह आपकी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे मटेरियल्स की। तो हमारा जो गोल है वो यहाँ पे सुपर एलिवेशन है। तो यहाँ पे ये जो यूज सुपर एलिवेशन है इसको आपने क्राइटेरिया जो है राइट साइड को आपने राइट लेन आउट साइड असाइन करना है और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट असम्बली की प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पे भी पैरामीटर में आपने जो यूज सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया है इसको आपने लेफ्ट लेन आउटसाइड देना है और ये अवे फ्रॉम क्रोन होना चाहिए और ये जो पिवट पोटेंशियल पिवट है ये यस पे होना चाहिए। ओके, दोनों में ये क्राइटेरिया आपने फॉलो करने हैं। तो इसके लिए आपको कॉरिडोर रन करना पड़ेगा। मैं कॉरिडोर रन करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो डिफॉल्ट स्टाइल है मैं उन्हीं को ले लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम अपनी असम्बली ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी असम्बली है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम प्रोफाइल असाइन कर देते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल है, डिजाइन प्रोफाइल, ओके। मैं जस्ट इसको ओके कर, यहाँ पे अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली उसने प्रोफाइल से ले ली है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ और उन्हें 25-25 मीटर पे ये रिक्वायर्ड है। मैं इसको स्मॉलर पे करता हूँ थोड़ा सा, ओके, 10-10 मीटर पे, ओके, और उनको राउंड स्टेशन पे ही रिक्वायर्ड है। सुपर एलिवेशन ज्योमेट्रिक पॉइंट वगैरह पे उन्होंने बताया कि उनको नहीं रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो इसी ऑप्शन को आपने यस रखना है और वर्टिकल कर्व में अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल ज्योमेट्री पॉइंट पे अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल राउंड 10 मीटर स्टेशन पे इसको कर रहा हूँ, ओके, अप्लाई, रीबिल्ड, ओके, और यहाँ पे ये जो है ये बिल्ड हो गया है कॉरिडोर हमारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कॉरिडोर हमारा यहाँ पे बिल्ड हो गया है, ओके। अभी हमने इस पे अपनी सैंपल लाइन क्रिएट करनी है। तो ये सैंपल लाइन है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, जो भी आपके अलाइनमेंट है यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको जस्ट ओके कर दें। उसके बाद आप बाय स्टेशन ऑफ रेंज, तो यहाँ पे जो भी है मैं बाय डिफॉल्ट इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी असम्बली है, ऑलरेडी 20-20 मीटर पे विड्थ असाइन हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसको 10-10 मीटर पे जो है इसको कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट और एंड में भी यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ और मैं जस्ट इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे 10-10 मीटर पे इस पे सैंपल लाइन लग गए हैं। तो अभी हम जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपने यहाँ पे टूल बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे कॉरिडोर, यहाँ से कॉरिडोर को आपने एक्सपेंड करना है। यहाँ पे ये जो है लेन स्लोप रिपोर्ट जो है इस पे आपने राइट क्लिक करना है, एग्जीक्यूट। यहाँ आपने ये जो आपकी बाई डिफॉल्ट सैंपल एंड कलेक्शन है, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने अपना पॉइंट फाइल, सॉरी, ये फॉर्मेट आपने फाइल का जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको 02 का नाम दे देता हूँ, ओके, और मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, यस, रिपोर्ट हमारी जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये थोड़ी सी देर में ये अपीयर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे राउंड स्टेशन पे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टेशन भी आ गए हैं और उनके
ईस्टिंग नॉर्दिंग भी आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो उसकी स्लोप थी, ठीक है, जो हमने असाइन की हुई थी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चेंज भी हो रही है यहाँ पे। तो इस वीडियो का टॉपिक यही था कि ये स्टेशन वाइज जो है वो रिपोर्ट हम कैसे ले सकते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।